हार कर भी जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं और ये बाजीगर बन चुकी है शहनाज गिल। शहनाज गिल बेबी गॉड को भले ही आ चुकी हो जो सोशल मीडिया पर चल रहा था कला चैनल्स की ओर से, लेकिन अब शहनाज गिल इस गेम को भले ही हार गई हो लेकिन हार कर भी बाजीगर तो ज़रूर बन चुकी है। शहनाज के नाम पर एक आया है आर्टिकल जहां पर शहनाज को लेकर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, सिद्धार्थ को लेकर लिखी गई हैं। कॉम्पिटिशन सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में था और इस बारे में लिखा है, सिद्धार्थ शुक्ला वॉन दिस कॉम्पिटिशन विद अ मार्जिन ऑफ 4% ओनली, बट वॉट रियली ग्रैब्ड आर अटेंशन वॉज द डेडिकेशन ऑफ द फैंस ऑफ शहनाज गिल। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज They were so concerned about making her win that each of them created at least 10 new Instagram accounts to vote for her. And here, she won for us. Winning or losing are a part of game, but what really matters is the effort you put in. And that exactly what matters. जो हम आपको कल समझाने की कोशिश कर रहे थे, हार और जीत तो एक अलग ही बात है। जीत सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल उनके फैंस की हैं क्योंकि उनका एफर्ट, उनका प्यार इसमें नज़र आ रहा है। और फैंस का भी अब यही कहना है कि हार कर भी जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं। शहनाज गिल बिकम्स द बिग बॉस गोट विनर इवन आफ्टर लूजिंग इट। क्या कहना है इस बारे में आप सभी का, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।